थाने जिले के मुरबाड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रिटायर्ड फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धसई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। 4 साल पहले रिटायर्ड हुआ था, इसके बाद वह इलाज करने लगा। उसने स्वयं का फर्जी अस्पताल भी खोल लिया। इतना ही नहीं, वहां आरोपी ने गलत इलाज किया, इसके चलते 5 लोगों की जान चली गई थी। नागरिकों की बार बार शिकायत के बावजूद तालुका स्वास्थ्य प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना मिलते ही श्रमजीवी संघ के अध्यक्ष पंकज वाघ मृतक के परिजनों के साथ टोकवड़े थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की जांच करते हुए फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जाँच चल रही है और इस आरोपी को टोकावड़े पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार भी किया हुआ है और आगे चल के ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो इसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। घटना का पता चलते ही हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र धसई के डॉक्टर ने वहाँ पे और हमारी बोगस डॉक्टर कमेटी ने वहाँ पर छापा डाला था और वहाँ पर जो भी हमें मिला है और जो भी पंचनामा का रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। जी जी, घटनाएं घड़ी है 25 तारीख को, जो आदिवासी लोगों के थे और एक औरत और एक उसका पिता जो ऑफ हुए, जो फर्जी डॉक्टर थे दसे के, जो पांडुरंग गोलप, उसके वजह से जो फर्जी डॉक्टर के वजह से जो ऑफ हुए उसको तुरंत उधर उसके रिश्तेदार को मिलकर और टोकाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने जाके गुना दाखिल किया है। उसको कल जो आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर संगठन के वजह से और जो मुरबाड़ तालुके के जो वैद्यकीय अधिकारी है उसके ऊपर भी कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए संगठन और श्रमजीवी संगठन अग्रसर रहेगी। और जब भी पिछले 2 महीने पहले ही मैंने मुरबाड़ के जो तालुका मेडिकल ऑफिसर है उनके पास मैंने एक शिकायत की थी कि मुरबाड़ तालुका में लगभग 50 से अधिक फर्जी डॉक्टर अपने दुकान चला रहे हैं। और कल जो घटना सामने आई है, जो मुरबाड़ के धसई गांव में जो घटना सामने आई है कि 5 लोगों के ऊपर एक फर्जी डॉक्टर है वहाँ के घोलप करके उन्होंने गलत ट्रीटमेंट उनके ऊपर की थी और उन्हीं ट्रीटमेंट की वजह से 5 लोगों की जाने गई है। और मुझे लगता है कि इस सभी घटना को तालुका वैद्यकीय अधिकारी है वही जिम्मेदार है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मेरी तरफ से मांग है।